एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग दो बार ढंग से पढ़ लेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे और उससे सवाल करेंगे तो आपको टू द पॉइंट लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, सच बता रहा हूं। स्पेशली बायोलॉजी के केस में और केमिस्ट्री के केस में आपको 100% मतलब आपको एनसीईआरटी से बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी ज्यादा नहीं पड़ेगी। मतलब अंदाजा लगाओ कि आपके टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, तो 180 में से आप मान के चलो कि 170-160 क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, बायोलॉजी के केस में तो बायोलॉजी के केस में आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग 100% आपकी एनसीईआरटी की बुक को कम से कम 5 बार पढ़ोगे, केमिस्ट्री केस में कम से कम 2 बार और फिजिक्स के केस में भी 2 बार पढ़ना। अगर आपको वाकई में स्कोर करना है तो एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। आप बायोलॉजी की बुक में तो मैं आपको बताता हूँ कुछ आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उसी में से आएगा जो कुछ भी आएगा।